नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज यहाँ पे हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी के कॉल साइड पुट साइड किस प्रकार की मूवमेंट आपको पूरे दिन में मिली है, इसका हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट बताऊंगा, कैसे यहाँ पे आपको इंडिकेशन को देखना है और किस तरह का सपोर्ट आपको ये स्ट्रेटेजी करवाती है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि जो भी डिटेल पॉइंट्स मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके समझ आए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पे आप देख सकते हो ये मल्टी टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी, जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप अगर व्यू देखना चाहते हो, मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो एक आपको सिग्नल जनरेट होके मिला था, काफी कंफर्म ये सिग्नल था जो मॉर्निंग में आया था। आप अगर यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को मैच करें तो कंफर्म परफेक्ट ये कॉल बना। नीचे आप अगर वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन नजर आ रहा है। सेकंड आप अगर पैरामीटर्स को देखें तो 54% है, कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो लाइन है ये भी कैंडल के नीचे, तो कन्फर्म परफेक्ट ये कॉल बना और ये कॉल ने आपको टारगेट भी दिया। आप अगर यहाँ पे चेक करें तो एंट्री आपको जो मिली थी 25,122 के रेट से, और आप अगर यहाँ पे टारगेट वन देखें तो 25,210 का आपका टारगेट था। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट न्यू पीरियड हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 25,250 के आसपास का आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पे आप देख सकते हो, और एग्जैक्टली मार्केट ने वहां तक की मूवमेंट आपको दी है। तो एग्जैक्टली आपको रेजिस्टेंस तक का मार्केट देखने को मिला और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो इस तरह से ये थी निफ्टी के इंडेक्स को लेके मूवमेंट, जो मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम के बेस पे बताई। ये मल्टी टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है जो आप 15 मिनट 5 मिनट के बेस पे यूज कर सकते हो, और इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इक्विटी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर को अगर आप एनालाइज करो तो आज के बेस की जो मूवमेंट थी निफ्टी में पूरी कॉल की साइड की थी। तो यहाँ पे अगर हम पुट साइड का मार्केट देखें तो मैं आपको पुट साइड का मार्केट दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे पुट साइड में कोई भी खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली। आप पूरा मार्केट देखें तो फर्स्ट कैंडल जो स्टार्ट हुई वहां से लास्ट कैंडल तक एक भी सिग्नल आपको नहीं मिला, तो पुट साइड में आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में 25,150 का कॉल मैंने लिया। मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल आप अगर देखें तो पहले कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल कितना कंफर्म है, कितना श्योर है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड ऑफ द कैंडल आपको कुछ पैरामीटर जो देखने होंगे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर बनता है वॉल्यूम। यहाँ पे आप अगर देखें तो वॉल्यूम आपका ग्रीन होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड पैरामीटर आपको कैंडल क्लोजिंग पे देखना है, वो रहेगा बायर सेलर का परसेंटेज। यहाँ पे बायर्स का परसेंटेज सेलर के परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड थिंग आपको देखनी है कैंडल का कलर। कैंडल का कलर यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पैरामीटर आपका बनेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये आपके कैंडल के नीचे होना चाहिए। सो ये सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी कॉल आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मौजूद है तो वो कॉल कन्फर्म परफेक्ट माना जाता है, और ऐसी कॉल्स में आपको ट्रेड करना है। अगर आप इस तरह के कॉल्स में ट्रेड करते हो तो 90% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी टारगेट को लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट जो आपका बनता है वो अराउंड आपको 7-8% का रिटर्न देगा। सो अगर आप इस कॉल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 87.60 से आपको एंट्री मिली थी, और टारगेट वन जो आपका था वो था 94.30 पैसा। और एग्जैक्टली आप अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और इवन आपको यहाँ पे थर्ड टारगेट भी देखने को मिला। सो यहाँ पे जो थर्ड टारगेट था, आप अगर थर्ड टारगेट देखें तो 114.10 पैसे का।
तो यहाँ पे थर्ड टारगेट के बेस पे आप अगर पूरी मूवमेंट कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मिली है। तो इस तरह से ये हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी वर्क करती है। सो इस तरह से ये मोमेंटम बेस्ड सिग्नल्स आपको मिलते हैं। सो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी के बेस पे आपको मोमेंटम सिग्नल्स मिलते हैं, और जब भी आपको कोई कन्फर्म परफेक्ट सिग्नल देखने को मिलता है वहां पे आपको टारगेट मिलेगी। सेम स्ट्राइक प्राइस 25,150 आपको सेकेंड कॉल मिला था। सेकेंड कॉल का आप अगर टाइम चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11:40 को सेकेंड कॉल जनरेट हुआ था। कन्फर्म परफेक्ट ये भी कॉल बना जहां पे चारों पैरामीटर्स आपके फेवर में थे। फर्स्ट पैरामीटर वॉल्यूम था, न्यू पीरियड नजर आ रहा है। सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे आप अगर देखें तो बायर्स का परसेंटेज 72% है। थर्ड कैंडल ग्रीन है, और फोर्थ पैरामीटर आप अगर देखें तो जो स्टॉप लॉस लाइन है ये भी कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे चारों पैरामीटर्स आपके फेवर में थे, तो ये भी एक कन्फर्म परफेक्ट कॉल बना जहाँ पे आपको टारगेट्स मिले। सो इस तरह से आप अगर कॉल साइड देखें तो ये हमारा सेकेंड कॉल था पूरे दिन का जो आपको टारगेट दे गया, और उसके बाद कोई भी सिग्नल आपको मिला नहीं। सो टोटल आपको कॉल साइड में दो सिग्नल मिले। जो स्ट्राइक प्राइस आपको सिग्नल जनरेट करवा के दिया वो था 25,150 का कॉल। सो दो कॉल मिले, और पुट साइड में आपको एक भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि पुट साइड में यहाँ पे मूवमेंट आपकी आज अगर निफ्टी का ग्राफ आप अगर देखें तो पुट साइड की कोई मूवमेंट आपको यहाँ पे खास देखने को नहीं मिली, उस कारण आपको पुट साइड में कोई सिग्नल भी नहीं मिला। सो ओवरऑल आपको कॉल साइड में दो ट्रेड मिले, दोनों कन्फर्म परफेक्ट थे और दोनों ने आपको टारगेट दिए। सो इस तरह से ये हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी वर्क करती है। जब भी मार्केट में मूवमेंट आता है तो ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएगी, और जब भी वो सिग्नल कन्फर्म परफेक्ट होता है तो आपको 90% श्योरिटी मिलती है फर्स्ट टारगेट को लेकर, और जो फर्स्ट टारगेट होता है ये अराउंड आपको 7-8% का रिटर्न देगा। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहते हो या फिर ये स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो लेना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, वहां जाके भी आप रजिस्टर करें ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा और ये स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो प्रोवाइड करवा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।